यूरोपियन देशों की तर्ज पर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए GDA 4 रूट रोपवे चलाए जाएंगे। आपको बता दें कि चारों रूट पर रोपवे को मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ एक रूट पर रोपवे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन व रोपवे को इस तरह से जोड़ा जाएगा कि गाजियाबाद के अलावा नोएडा के निवासी भी मेट्रो या रोपवे से सवार होकर आसानी से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच सकेंगे। आपको बता दें कि GDA के मुख्य राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी के साथ लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा मिलेगी तो सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा। ऐसा होने से निश्चित रूप से शहर को जाम से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि वर्तमान में वैशाली मेट्रो स्टेशन से मोहन नगर तक 5.2 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट के DPR तैयार कराई जा चुकी है, जिसकी प्रस्तावित लागत 450 करोड़ रुपए आकी गई है। लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रोपवे चलाने की योजना है। सभी रूट पर सर्वे कराने के साथ DPR तैयार कराई जा रही है। रिपोर्ट क्लियर आने पर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।